अस्सलामुअलैकुम। हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है? पानी का आलूदा होना, पानी की आलूदगी। वाटर पोल्यूशन और एक्वेटिक पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। मतलब वाटर बॉडीज़ जो कि रिवर्स हो गया, ओशंस हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स वगैरह हो गया, उनकी कंटेमिनेशन हो जाना, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स का मिल जाना, यूजली एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में, मतलब ये वाटर बॉडीज़ का आलूदा हो जाना, इन सच अ मैनर दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स इट्स लेजिटिमेट यूजेस। मतलब जो इसके हमारे यूजेस हैं, इसके हम जो इस्तेमाल हैं, उसको वो बुरी तरह से मुतासिर कर देता है। फिर वाटर पोल्यूशन अफेक्ट्स द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मुतासिर करता है एज इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर टू प्रोवाइड द इकोसिस्टम सर्विसेज दैट इट वुड अदरवाइज प्रोवाइड। मतलब ये इकोसिस्टम को मुतासिर करता है, ये वाटर बॉडीज़ की एबिलिटी को कम करता है जो कि इकोसिस्टम में वो अपनी मतलब जो वो यूजेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनकी एबिलिटी को कम कर देता है। फिर वाटर बॉडीज़ इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल लेक्स, रिवर्स, ओशंस, एक्वीफर्स, रिजर्वियर्स एंड ग्राउंड वाटर वगैरह। वाटर पोल्यूशन रिजल्ट्स व्हेन कंटेमिनेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर वाटर बॉडीज। वाटर पोल्यूशन कब रिजल्ट करता है, कब इसके वो मतलब बुरे असरात आते हैं? जब ये कंटेमिनेट्स या पोल्यूटेंट्स वगैरह ये वाटर बॉडीज में एंटर होते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन आल्सो लीड टू वाटर बॉर्न डिजीजेज। मतलब वाटर बॉर्न डिजीजेज जो पानी आलूदा पानी से डिजीजेज जन्म लेती हैं, वो इससे मतलब लीड हो सकती हैं, इससे वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। हमारे पास डेफिनेशन क्या है वाटर पोल्यूशन की? वाटर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस और एनर्जी फॉर्म्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर द नेचर ऑफ द वाटर बॉडी। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस और एनर्जी फॉर्म्स का इजाफा हो जाना पानी में जो कि वाटर बॉडी की जो नेचर होती है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चेंज कर देता है, इन सच अ मैनर दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स इट्स लेजिटिमेट यूजेस। जो कि मतलब फिर नतीजे में क्या होता है कि इसके जो हम यूजेस जो हम इसके इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जो इसके यूजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, उसको बुरी तरह से मुतासिर कर देते हैं, उसको बुरी तरह से उस पर असरार डालते हैं। देयरफॉर पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद कंसेप्ट्स एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमंस। मतलब जो पोल्यूशन है उसका मेनली क्या मतलब उसके ये तस्वुर होता है कि जो इंसानों के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस पर वो मुतासिर करता है, नेमली द नेगेटिव अल्ट्रेशंस एंड द यूजेस ऑफ वाटर बॉडी। मतलब अब वाटर बॉडी है वो इंसानों के इस्तेमाल में है, हम पानी पीते हैं, फिर फॉर एग्जांपल पोल्यूशन से पानी गंदा हो जाता है, आलूदा हो जाता है। अगर वही पानी हम पी लें तो उससे हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। वाटर इज टिपिकली रेफर टू द पोल्यूटेड व्हेन इट इज इम्पेयर्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेंट्स। हम पानी को मतलब टिपिकली तब पोल्यूटेड रेफर करते हैं जब इसके अंदर एंथ्रोपोजेनिक कंटेमिनेंट्स इंटर हो जाते हैं। ड्यू टू दिस कंटेमिनेंट्स इट आइदर डज नॉट सपोर्ट ऑन ह्यूमन यूज सच एज ड्रिंकिंग वाटर और अंडरगोज अ मार्क्ड शिफ्ट इन इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट इट्स बायोटिक कम्युनिटीज। मतलब इन कंटेमिनेंट से क्या होता है कि हम ये इंसानों के लिए फिर मुनासिब पानी नहीं रह जाता, पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। अगर हम इसको पियेंगे तो हम मतलब हमारे अंदर वाटर बॉर्न डिजीज इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, वो पैदा हो जाएंगी। इसके सोर्सेज क्या हैं वाटर पोल्यूशन के? वाटर पोल्यूशन इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू फोर सोर्सेज हैं, जिसमें सीवेज आ गया, घरेलू डोमेस्टिक लेवल का जो वेस्ट होता है वाटर वो आ गया, इंडस्ट्री का वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर ज़राअत से जो हमारे पास वाटर वेस्ट वाटर आता है, अर्बन रन ऑफ। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में हम इसको ग्रुप करते हैं। एक होते हैं पॉइंट सोर्सेज और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज कौन से हैं? पॉइंट सोर्स वाटर पोल्यूशन रेफर्स टू कंटेमिनेंट्स दैट एंटर वाटर वे फ्रॉम अ सिंगल आइडेंटिफिएबल सोर्स। मतलब एक सिंगल वे से ही जो पता चल रहा है कि इस वे से हमारे पास ये वाटर में मतलब जो कंटेमिनेंट है ये ऐड हो रहा है, इसकी वजह से पोल्यूशन काज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट सोर्स। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? डिस्चार्जेस फ्रॉम अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अ फैक्ट्री और अ सिटी स्टॉर्म ड्रेन। मतलब या वो सीवेज वाला है या फिर वो फैक्ट्री से आ रहा है, तो उसको जब हमारे पास जो सोर्स है वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं उसको, तो इसको हम पॉइंट सोर्स कहेंगे, और जब हम सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसको हम नॉन पॉइंट सोर्स कहेंगे।